आप देख रहे हैं 575 ounces, नहीं आप देख रहे हैं नो फिल्टर विद निखिल। पता नहीं थोड़ा कंफ्लिक्टिंग है यहाँ पे, बिकॉज आजकल क्या है कि पूरी स्पोर्ट्स की दुनिया में ना कंटेंट एक ही जगह से आ रहा है और वो शो का नाम है नो फिल्टर विद निखिल। क्योंकि भाई साहब जब देखो निखिल ना जिस भी क्रिकेटर को लाते हैं कहीं ना कहीं से हेडलाइन कहीं ना कहीं छपा देते हैं, या तो सर स्टार स्पोर्ट्स पे, या तो आप हिंदुस्तान टाइम्स पे, या तो आप पता नहीं और कौन सी पब्लिक है। हो क्या रहा है यहाँ पे निखिल, ये क्या है? क्या देखें क्या हुआ, पहले दो महीने लॉकडाउन मैंने आराम किया, ठीक है, सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे थे जेमी एंड अर्जुन, मैं बैठा था। अब मुझे, मेरे पास उतना टैलेंट तो है नहीं कि मैं स्केचेस बनाऊं, मेरे को एक ही चीज आती है वो है स्पोर्ट्स। तो मैंने कहा यार अब क्या कर रहा हूँ, इतना बोर हो गया था कि मैंने कहा चलो कुछ नहीं, क्रिकेट की गल्ले बातें करते हैं, और क्या करे आदमी इस टाइम। तो ऐसे ही बस बात करना शुरू किया। अरे दूसरी बात ये हुई, मैंने रियलाइज किया जो चीज अर्जुन पंडित ने 2 साल पहले रियलाइज की थी कि इंस्टाग्राम पे रहना है, वो अब हमने जाके समझा। तो आई हैव नाउ वोकन अप टू इंस्टाग्राम बहुत टाइम बाद, 2 इयर्स बाद। सो आई वाज इन एक्सप्लोरिंग, मैंने कहा चलो कुछ नहीं है तो इस पे टाइम बिताते हैं। और इस पे मैं अगर एक चीज, सॉरी मैं इस पे दो चीज ऐड करूंगा। एक तो निखिल आप जो कर रहे हो, इट्स व्हाट मेनी पीपल हु आर डूइंग दिस फुल टाइम शुड बी डूइंग, बट फॉर रीजंस बेटर नोन टू देम वो नहीं कर रहे हैं। ऊपर से आपके शो को देख के मुझे दो जर्नलिस्ट ने कॉल किया कि यार ये निखिल जो कर रहा है ये वायबल है, हम भी कर सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल करो, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। खेती लगा दो अपनी। हां मैंने वही बोला, आई सेड यू लिसन, यू हैव टू फाइंड वेज टू कीप क्रिएटिव, एंड व्हाट निखिल इज डूइंग इज फैंटास्टिक, एंड इट्स नॉट दैट टफ टू डू। यू हैव टू नो द प्लेयर, गेट देम प्लेयर एंड देन टॉक क्रिकेट, उसमें क्या है? आई मीन सो It's good. Keep it up. Yeah. I'm just doing it for my own Instagram. मतलब there's no business model in mind. Seriously. मतलब क्या करे आदमी, बैठे-बैठे क्या करे, क्रिकेट की बातें करो, वही कर रहा है। जो बिल्कुल। हाँ जी, so देखिए जी Instagram पे @Nikhil_Naz. हाँ जी। Nikhil_Naz. अगर आप नहीं जानते तो। So many followers if you were still there on Instagram, but you have left. सब मेरे को इंस्टाग्राम और मेरी बीबी दोनों ने बोला तुमने चीपनेस की हदें पार कर दी है, निकलो यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हें दे जा रहा था बैठ बैठ के। बट पॉइंट बीइंग यू बीन हिटिंग सिक्सर्स ऑन दैट शो, बिकॉज जर्नलिज्म टर्म्स पे हम कहते ना कि हेडलाइन जो एक निकल आती थी, आदमी ने छक्का मार दिया उस शो पे, तो आप रेगुलरली छक्के मारे जा रहे हो। और अभी आपने हाल ही में रॉबिन उथप्पा के साथ एक शो किया था वेर ही ब्रॉट अप द टॉपिक दैट हैज बीन स्पोकन अबाउट फॉर अ व्हाइल नाउ, कि व्हाई इंडियंस आर नॉट अलाउड टू प्ले T20 लीग्स अब्रॉड, स्पेशली non-contracted players, not contracted players by the BCCI. तो सबसे पहले वो क्लिप आप लोगों के लिए चला देते हैं, क्योंकि the main किरदार हमारे शो पे हैं और हम तो क्लिप चला देते हैं without courtesy. तो पहले ये सुनिए रॉबिन उथप्पा ने निखिल के साथ इसके बारे में क्या कहा। Finally, you know, there's one thing that Robin Uthappa's name now is being discussed after an Instagram chat between you had Irfan Pathan and Suresh Raina, and they were of the opinion that there are so many young, you know, players who are not making the cut in the international level or for the Indian team, but why not look at allowing them, players like Robin Uthappa, allow them to play, you know, global T20 leagues, wherever that might be, whether it's in Australia, Bangladesh, wherever that happens. What are your thoughts on it? And as a player who you know that, you know, you probably, I'd say, you know, are probably nearer to the end of your career than the start. I'd like to put it that way. Would you think that that's a good idea? Well, this is something that has been an ongoing discussion for almost the last 4-5 years with me. I myself have gone to the board when a few years ago and requested permission if this could happen, because me, I went there as a student of the game and I said to them, listen, I really want to grow as an athlete, as a cricketer, and I truly believe me going and playing in different conditions would help me to grow and better myself as a cricketer. If not for now, at least when after I finish playing cricket, it's going to serve me, because I've actually played in different conditions, so I'll be able to add value. So tomorrow if I decide to take up coaching, then I will actually have first-hand knowledge of what I've experienced in different conditions, so as to add value to my to the team that I'm working with at that point in time, right? Yeah. I'm talking about 5, 7, 10 years down the line. But if I don't have the experience, on what basis will I be able to share that with them, right? For me, and for that, you need to have that exposure. So we're not saying, you know, give us permission to go everywhere. We understand the value that IPL has brought into our lives, our families, to our nation, so to speak. But denying us the opportunity to grow as human beings, as cricketers, isn't it something that we've earnestly hoped and believed that the BCCI will look into, because we're non-contracted players, right? Even if you look at it from a financial standpoint,
we would earn more from the experience of playing there than financially. Because we earn so much here from the IPL that what we earn outside, God, thank God for it, would not be of as much value as the experience of actually playing there in different conditions. For instance, playing in Australia. For instance, playing in England, T20 cricket in England. For instance, playing T20 cricket in New Zealand. All of that will give you so much of exposure. South Africa will give you so much of exposure and understanding of how to play in different conditions and how teams tick under those different conditions. What is their culture like? Because there's so much to learn from a culture. It gives you so much of an insight of how they approach a game. Today, when you play with traders in the IPL, you get an insight of how much, what their psyche is, right? Why are people more successful in India today? The foreigners, when they come to India, why are they more successful? Because they have rubbed shoulders with our culture and they know exactly how we think under these circumstances. So they apply that to themselves and they become better players. We deserve a chance to do that. That's a very interesting perspective. I'd have to say that, you know, with me and my narrow thinking, I just, you know, was concentrating of allow these cricketers to grow as just, you know, batsmen or bowlers. But as you put it, I mean, there's a larger good at that, not just, you know, as an individual player, but larger good for Indian cricket as such. As you say, you might just take up coaching, for example, in the future. Right, so of course that was Robin Uthappa, pretty honest and forthright with Nikhil and no filter with Nikhil. लेकिन उससे पहले जो ये क्रिकेटर्स एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ये सिलसिला काफी टाइम से चल रहा है लॉकडाउन में. हाल ही में टू फ्रेंड्स एंड फॉर्मर टीममेट्स गॉट ऑन इंस्टाग्राम एंड वर चैटिंग, दैट इज इरफान पठान एंड सुरेश रैना, और उन्होंने भी इस टॉपिक के बारे में ये कहा. आई विश कि BCCI कुछ ऐसा प्लान करे ICC के साथ या फ्रेंचाइजी के साथ, जो भी प्लेयर BCCI कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और उनको अलाउ किया जाए बाहर के लिए खेलने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, इंक्लूडिंग यूसुफ, माइसेल्फ, रॉबिन उथप्पा, बहुत सारे ऐसे क्वालिटी प्लेयर हैं जो बाहर जाके बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, चाहे वो कोई भी लीग हो. हमें दो लीग अलाउड करो जहाँ पे हम जाएं खेलें, और हमें BCCI खुद बोले कि यहाँ पर आप खेलो, जब से IPL BCCI में आप नहीं हो, और किसी को कोई IPL में भी नहीं लिया, आप इंटरनेशनल भी नहीं खेल रहे हो. और डोमेस्टिक आजकल ऐसा है कि जो कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक में वैसा कंपटीशन नहीं है. अगर हमें 3 महीने में क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे, चाहे वो CPL हो, चाहे वो बिग बैश हो, कुछ भी ऐसा हो जिससे हमें लगे कि हम रेडी हैं, क्योंकि आप देखो कि बाहर के सारे प्लेयर खेलते हैं, वो सारे फिर कम बैक करते हैं अपनी कंट्री के लिए. हम IPL खेलते हैं, इन्होंने 40-50 लड़कों का पूल बनाया, अगर सिलेक्टर लगता है कि खराब हो गया या फिर इसको एकदम ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो फिर हम लोग के पास दूसरा प्लान भी नहीं है. अगर हम बाहर जाएंगे, परफॉर्मेंस करेंगे और फिट रहेंगे और अच्छा खेलेंगे, तो क्रिकेट भी इम्प्रूव होगा और सीखने को बहुत मिलेगा. दूसरा एक ऑप्शन मैं ऐसा दे सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन कि यार बहुत ज्यादा लोग इंडिया में ना, जैसे इंडिया में माइंडसेट अलग है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का माइंडसेट अलग है. मेरे को याद है माइकल हसी ने 29 ईयर्स की उम्र में डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उसके बाद जब उसका करियर खत्म हुआ तो ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ द मिस्टर क्रिकेट के नाम से उसको जाना जाता था. लेकिन इंडिया में अगर कोई बोलेगा यार 30 साल की उम्र में डेब्यू कर रहा है, कभी होगा नहीं होगा. उस 30 साल में उसको बोल देंगे कि भाई ये तो अभी ओल्ड हो गया. हाँ, बूढ़ा हो गया. नहीं, but see, अभी कैसा है यार, जब तक तुम फिट हो ना यार, तब तक तुम अवेलेबल होने चाहिए. यार मैं 30 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया, मेरे को 30 साल की उम्र में बूढ़ा बना दिया गया. मेरे को याद है बड़ौदा में आके, हमारे BCCI का कोई बहुत बड़ा पोजिशन में था, वो बंदा आके बड़ौदा में आके बड़ौदा क्रिकेटर को बोल रहा है कि यार ये तो हमारे 30 लड़कों में नहीं है, तुम इसको कैसे खेल लगा रहे हो. मतलब ऐसे माहौल बनाते हैं. मेरा सजेशन ये है कि भाई तुम 30 साल की उम्र के जितने भी लोग लड़के हैं, अगर तुम्हारे ये माइंडसेट है, जो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट है, तो जितने भी 30 साल के लड़के हैं जो तुम्हारे रडार में नहीं है, उनको खेलने दो. तो गाइस, बिफोर वी ऑफ कोर्स गेट इनटू द टॉपिक कि वेदर इंडियंस शुड बी प्लेड अलाउड अब्रॉड टू प्ले T20 लीग्स एंड व्हाई दे नॉट बीइंग अलाउड अब्रॉड, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जो आपने क्रिकेटर्स जनता को दिखा दिया अपना ये असली रूप, वे आर टॉकिंग फ्रॉम द हार्ट and we are talking things where it's coming straight from the heart, और आप सोच समझ के नहीं बोल रहे. अब मैं तो ये सोच रहा हूँ जेमी, जब आप वापस स्पोर्ट्स चैनल्स पे जाओगे, तो वो जो बंदा who's got used to watching you on Instagram and saying कि यार ये तो खुल के वहाँ पे बोल रहा था, लेकिन स्पोर्ट्स चैनल में तो यू आर गोइंग बैक टू दैट घिस्सा पिटा कॉन्वर्सेशन, तो फिर तो थोड़ा लाइक कोलिजन हो जाएगा वहाँ पे. नहीं, आई थिंक यू आर राइट टू एन एक्सटेंड. एक और मैंने एक है, सीनियर है VP स्टार स्पोर्ट्स में, उनसे मैंने बात किया था एक और शो पे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें जो सीख मिली अब से, वी डोंट नीड टू डू सो मेनी स्टूडियो शोज, वी आर गेटिंग सो मच वर्क डन फ्रॉम होम एंड ऑल. ही इज प्रोबब्ली अलूडिंग टू एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग,
अब इसमें क्या है, ऑडियंस क्या है, ऑडियंस टेस्ट है बाय एंड लार्ज बीन द सेम, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुए. अगर आप स्टूडियो शो की बात करें, आप एन एंकर लाइक यू स्पीकिंग टू गेस्ट इन अ स्टूडियो, अभी क्या है द फॉर्मेट इतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ. अगर कुछ चेंज हुआ तो प्रोडक्शन वैल्यू जो है वो हुआ है चेंज. तो कहीं ना कहीं शायद एक सीख मिली है बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स को कि आपको इतना शोशा करने की जरूरत नहीं है ग्राफिक्स एंड रोबोट पॉपिंग अप हियर. नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑनेस्टी इन द कन्वर्सेशन, दैट्स इट, जस्ट प्लेन सिंपल ऑनेस्टी इन कन्वर्सेशन. देखो ऑनेस्टी द मोस्ट फ्रैंकनेस कम्स आउट जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से बात करता है, क्योंकि इनके बीच में जो समझ है वो है. सो यू माइट सी फॉर्मर प्लेयर्स स्नैप्ड अप. हमने इस शो पे ऑलरेडी कुछ महीने पहले बात किया था कि जिस तरह से युवराज सिंह बात कर रहे हैं खुल के, शायद स्टार स्पोर्ट्स इन योर वर्ड अर्जुन विल ब्रेक द बैंक टू हायर हिम. परहैप्स वी विल सी मोर प्लेयर्स डूइंग दिस. And I think it's a little refreshing, taking nothing away from anchors like yourselves who do this. कहीं ना कहीं जब एक प्लेयर से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं that wall is broken. तो personally मैं चाहूँगा कि और players करेंगे, but at the same time it cannot be like अच्छा बस players ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग को you need them to have a chance to you know to do things and keep doing the main voice. But हाँ कहीं ना कहीं शायद कुछ changes आएंगे. I think more from a production value. You don't need to spend so much जब दो लोग बात कर सकते हैं खुल के. एक चीज अर्जुन, लेकिन इसमें ये जैसे जेमी कह रहे हैं, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जब प्लेयर से बात करता है तो थोड़ा ओपनली बात करता है. लेकिन एक चीज जो नहीं हो पाती ना, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एंकर हूँ और हमारी दुकान पे लात मार रहे हैं, वो इसलिए नहीं कह रहा मैं. लगाओ सर, जाओ हमारी एंकर जाते. नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है जब प्लेयर और प्लेयर एक दूसरे से बात करते हैं तो कई बार जो चीज वो चाहते हैं कि खबर बने उसी पे बात करेंगे. देयर विल बी नो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देयर. और ऐसा अगर आप चैट्स को गौर से सुने ना प्लेयर्स की, तो ऐसे लगता है कि मेरे को एक मन में ये चीज थी, मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता था तो मैंने उस चैट के जरिए पहुंचा दिया. लेकिन जब एक एंकर या जर्नलिस्ट बात करेगा तो फर्क ये है कि उसका कोई उसमें लेना देना नहीं है. मतलब ही इज नॉट अ क्रिकेटर, तो उसका कोई यू नो स्टेक नहीं है वहां पे. वो जो सवाल पूछ रहा है, ही इज आस्किंग एज अ फैन या एज एन आउटसाइडर, तो उसमें कोई यू नो हिडन मोटिव नहीं है. तो वहां थोड़ा ऑर्गेनिक चीज निकल सकती है. मुझे बस ये फर्क लगता है, एक जो एंकर कर सकता है और एक जो प्लेयर करता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस. बट हाँ, वॉल जो है वो शायद उतनी नहीं रहती जैसे जेमी ने कहा. Nay, and also just to add one more thing to what Nicholas said, also the neutral party will may even ask the harder question also, no? Yeah, totally. But you know what? It should be a good mix. Fair enough. The only point I was alluding to, ki jo at the end of the day, aap ye jo chats kar rahe ho, chahe TV channel pe kar rahe ho ya Instagram pe kar rahe ho, वो आप जनता के लिए कर रहे हो सर. तो जिस जनता को आप दो महीने से आप ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन दिए जा रहे हो, जो शायद उन्होंने इससे पहले कभी देखा नहीं है, विच इज वाई इट्स बीन कॉल्ड रिफ्रेशिंग. अब व्हेन यू गो बैक टू द टीवी चैनल्स, व्हेनेवर दैट हैपेंस, जब भी होगा, और अगर वैसा यू गो बैक टू द घिसा पिटा कॉन्वर्सेशन जो हम लोग करते थे स्टूडियोज में, इवन वी नो दैट व्हाइल डूइंग द कॉन्वर्सेशन कि यार ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये सच नहीं बोल रहा, देन दैट जनता वो उसको रिस्पेक्ट करेगी, उसको लैप अप करेगी या नहीं. आई थिंक दैट इज अ कॉन्वर्सेशन फॉर अ लेटर डेट. बट लेट्स गेट टू द रॉबिन उथप्पा चैट. निखिल, व्हाट वाज द बेसिक पॉइंट को हमें दिख गया कि व्हाई इज नॉट बीइंग अलाउड, स्पेशली ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि सिंस आई एम नॉट कॉन्ट्रैक्टेड एंड आई डोंट हैव एनीथिंग मोर टू गिव टू बीसीसीआई क्रिकेट एज फार एज द इंडियन टीम इज कंसर्न्ड, क्यों नहीं जाने दे रहे मेरे को. हाँ, उनका देखिए, रॉबिन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर करी जो मेरे लिए भी एक लर्निंग थी. क्योंकि जब मैंने ये सवाल पूछा उनसे तो मुझे लगा यू नो एक प्लेयर क्या बोलता है, अरे मुझे खेलने दो बिकॉज मेरा लाइवलीहुड है, मैं बेटर प्लेयर बनूंगा. और मेरी जो यहाँ पर जर्नलिस्ट की जो छोटी सोच है वो सामने आती है. और मैं मानूंगा कि उसमें मेरी छोटी सोच थी जो मुझे लगता था कि खिलाड़ियों को सिर्फ इसलिए ही खेलना है T20 लीग में क्योंकि वो अपना थोड़ा यू नो लाइवलीहुड के लिए करना चाहते हैं, कि अगर इंडियन टीम के लिए नहीं खेल रहे बाहर खेलूंगा तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा. सेकेंडली है, उनको क्रिकेट खेलना पसंद है और अगर पूरे साल नहीं खेल रहे तो अगर थोड़ा खेले तो भी उनको मौका मिलेगा. सो यही दो चीज़ें मेरे दिमाग में थी और मुझे लगता है 99% लोग इसी नज़रिए से देख रहे होंगे. लेकिन रॉबिन ने जो एक अलग पर्सपेक्टिव दिया ना, उससे मेरे को भी ये चीज़ समझ आई कि वो सिर्फ अपने सेल्फिश रीजन के लिए नहीं देख रहे हैं कि मेरे को खेलना हो. उनका मानना है कि भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, भला होगा इंडियन क्रिकेट का अगर आप अलाउ करो. क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि मान के चले मैं हूँ या कोई इरफान पठान या कोई भी और खिलाड़ी हो, सुरेश रैना, वो अगर बाहर खेलता है T20 क्रिकेट लगातार, एंड नॉट जस्ट वो बायलैटरल सीरीज जहाँ आप सिर्फ 5 मैच खेल के आओ, बड़ा 15 या 16 मैच खेलो, आप उन कंडीशंस को समझते हो और वो नॉलेज आप जब बाद में कोच बनोगे या किसी चाहे लोअर लेवल पे हायर लेवल पे, वो आप पास ऑन कर सकते हो. अच्छा, सिर्फ लोकल कंडीशन नहीं, उनका एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था, वो था कल्चर के बारे में.
ही सेड दूसरी टीम का कल्चर समझना बहुत जरूरी है कि वो लोग जैसे साउथ अफ्रीकन है किस चीज में कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलियन किस सिचुएशन में क्या करते हैं. उनका मानना है कि बाकी टीमों ने इसका फायदा उठाया आईपीएल से, दे फिगर्ड आउट कि इंडियन प्लेयर्स कैसे बिहेव करते हैं, कब डर जाते हैं, कब ज्यादा जोश में आते हैं, कब पंप अप होते हैं, वो चीज समझ गए तो इंटरनेशनल लेवल पे वो चीज यूज करते हैं. तो क्यों ना हमारे प्लेयर्स भी जाएं और ये अंदर की ड्रेसिंग रूम की चीजें पिक करें, कल्चर को पिक करें, नेचर को पिक करें, और फिर जब वो आगे ये नॉलेज पास करें तो इंडियन क्रिकेट बहुत ओवरऑल मतलब 360 डिग्री इंप्रूवमेंट होगा. और आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसके बारे में बीसीसीआई को ध्यान देना चाहिए. क्यों बीसीसीआई नहीं दे रहा इस पे मेरे कुछ पॉइंट्स है, वो आगे हम चर्चा कर सकते हैं. क्योंकि मैंने हाल ही में एक क्रिकेट की किताब पढ़ी थी और मैंने एक ही क्रिकेट की किताब पढ़ी है पूरी दुनिया में, तो मैं उसके बारे में ढिंढोरे पीटते रहता हूँ. पर उसमें ना एक डॉक्यूमेंट उन्होंने बड़ी अच्छी चीज करी हुई थी कि जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी राइट, बिकॉज इट वॉज ऑन अ डायरेक्ट क्लैश विद द ईसीबी, उस टाइम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ज्यादा अपने प्लेयर्स को नहीं भेजा कि आईपीएल में जाके खेलो या जो भी करो बीच में. देन दे रियलाइज दैट दे वर स्टेइंग बिहाइंड एज फार एज टी20 क्रिकेट इज कंसर्न, दे वर फार बिहाइंड फ्रॉम द अदर टीम. हाल ही में देन दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेटिंग देयर प्लेयर्स गो टू दीज अदर टी20 लीग्स, एंड देन यू सी द इफेक्ट इट्स हैपेंड एज फार एज इंग्लैंड इज कंसर्न. दे वन द टी20 वर्ल्ड कप एंड नाउ दैट ऑफ कोर्स दैट सेम काइंड ऑफ थिंग इज कमिंग टू देयर ओडीआई टीम एज वेल. सो यू नो आई मीन आई थिंक रॉबिन मेक्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि व्हेन यू अंडरस्टैंड कल्चर्स एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट playing conditions. I think cultures is the most important point. Playing condition, theek hai, it's a part of it, but culture is the overall thing. Bilkul, it's also culture. And you know, mujhe yaad hai jab Tony Greig ki team aayi thi, England ki team late 70s mein. So I remember hearing stories and all, and hearing from my father, reading books and seeing on YouTube how that man he changed perception of the Indian culture. Ki tab tak ek by and large view tha ki India jaoge to agar hotel se bahar khaoge to pet kharab ho jayega, all that stuff. Tony Greig embraced the Indian culture. This is that tour when he picked up Vishwanath in his arms. So he said, boss, hum aare, we cannot come with this negative condescending view of India and being like this is the whole place. Yeah, so that was one way of embracing culture. That same kind of culture, IPL mein shuru hua, because now the players, yes, granted, they are treated like five-star heroes and they have great facilities, but the walls again have broken down. Players, ko, they can learn about their colleagues. Isme fayda hai ki jab aap khelte us team se, like even Rodham Utma was talking about, aap us player ke weaknesses, strengths pe aap khel sakte ho. But isse badi baat ye ki cricket is a global sport. Bahut kam team isko khelti hai, par ye ek global sport hai, and people should be allowed to see how each team functions, the cultures, because that is when aapki khud ki cricket jo hai wo strong hoga. Aapne England team ka example diya, bilkul IPL, halanki jab wo 2010 mein World Cup jeete the, so very few players were playing. I think only Paul Collingwood and shayad Bopara and Peterson were playing. But uske baad se, Owen Morgan, Jason Roy, ye log jab aaye hain, their white ball cricket has directly coincided with two things. IPL ka experience aur 2015 ka jo unka sabse ghatiya World Cup tha. उसके बाद दे मेड चेंजेस, उनकी बोर्ड ने उन प्लेयर्स को पिक किया तो जो ज्यादा टी20 लीग्स खेल रहे थे, एंड देयर इज नो बिगर लीग देन द आईपीएल. तो आई एग्री विद व्हाट निखिल सेड, व्हाट रॉबिन उथप्पा सेइंग, जब तक आपकी देश की फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर हो रही है तो व्हाई नॉट. ऑल्सो आई नो कि इफ प्लेयर्स वांट टू गो एंड प्ले फॉर मनी, इनको खेलने दो यार, बाकी सब देश कर रहे हैं, क्यों आपने आईपीएल को सिर्फ इतना सीक्रेट रखा था, लेट देम गो अबाउट. और अब ये भी देखिए, जो प्लेयर्स बात कर रहे हैं वो या तो रिटायर्ड हो चुके हैं फ्रॉम इंडियन क्रिकेट or on the verge of it. Shayad, they're not said openly, but these players, and it's natural that they would speak at this time of their career, because wo aage dekh rahe hain hum kaise coach ban sakte hain, hum kaise aur paise kama sakte hain, and I'm fine with all these things they're saying here. In a sense, I mean, the money factor ki hum log yahan pe baat karte rehte hain, money is a direct indicator of your talent and skill. Simple si baat hai, and it is indicative in any form. Why are you talking about cricket yahan pe? Matlab, jo hamare field mein bhi aap dekh lo, you will get more money if you are good at your talent, if your skill, agar aapki demand hai, toh agar aapko log of course chahenge. But Nikhil, in a sense, main keh raha hu ki agar abhi tak India ne allow nahi kiya hai, main toh keh raha hu kyunki humne iske baare mein pehle bhi show kiya hai ki why India needs to change their approach in T20 international cricket. Aur haal hi mein wo change hame dekhne ko mila hai. Now you suppose if this was allowed earlier, where Indian players would have been allowed to mix in the Big Bash League and the other leagues and so on, maybe that change would have come earlier. Yeah, नहीं बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें काउंटर आर्गुमेंट लोग ये बोलेंगे कि आप आईपीएल भी तो खेल ही रहे हो और टी20 इंटरनेशनल भी तो खेल ही रहे हो, तो isn't that enough?
फॉर यू टू नो कि भाई कैसे गेम चेंज हो रही है, वो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है। बट हाँ, जितना आप ज्यादा खेलोगे, जैसे आपका मानना है भाई एक अलग जगह पे खेलोगे, अलग कंडीशन में अलग प्लेयरों के साथ खेलोगे, और कई बार आप ऐसे T20 स्पेशलिस्ट के साथ खेलते हो उन फॉरेन लीग्स में जो IPL तक नहीं आ पा रहे, बट दे हैव रियली मास्टर्ड वेदर इट्स साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, तो और उन्होंने एम्प्रेस ज्यादा किया है सर T20 को, मोर देन अस एज फार एज स्पेशलिस्ट आर कंसर्न्ड। आप उनसे भी पिक करोगे, लेकिन इसमें ना और एक डिसएडवांटेज है सर, मैं एक और एंगल देखूं, क्योंकि हमने एक तो फाइनेंशियल हो गया, एक हो गया भाई कल्चर का और स्किल का जो रॉबिन बोल रहे हैं, बट एक और चीज अगर एज अ जर्नलिस्ट मैं देखूं, तो एक और जो नुकसान हो रहा है जो नहीं खेलोगे आप, ये T20 लीग अलाउ नहीं कर रहे, उसके पीछे है रिटायरमेंट का नुकसान। मैं उसमें बताता हूं कैसे, कि आप अब जो प्लेयर है जो खेलना चाहता है, ही हैज टू अनाउंस रिटायरमेंट बिफोर ही इज अलाउड टू गो एंड प्ले इन T20 क्रिकेट। उससे क्या होता है, कई ऐसे प्लेयर है हु विल रिटायर अ बिट अर्लियर, क्योंकि उनको पता है कि मैं इंडियन टीम में नहीं आ सकता, लेकिन मैं T20 लीग खेलना चाहता हूं, तो वो जल्दी से अनाउंस कर देगा रिटायरमेंट। लेकिन उससे नुकसान किसका होगा, शायद इंटरनेशनल क्रिकेट का ना हो, क्योंकि उस प्लेयर को भी पता है, इंडिया को भी पता है कि आप शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में ना आए, लेकिन नुकसान होता है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को। मैं एग्जांपल लेता हूं इरफान पठान का, ठीक है, इरफान पठान कश्मीर के लिए खेल रहे थे, कितना फायदा मिल रहा होगा वहां के क्रिकेटर को एक इंटरनेशनल क्रिकेटर अपने साथ हो उसके साथ खेलने का, लेकिन उन्होंने बहुत अब्रप्टली वो एंड कर दिया अपना। क्यों, हो सकता है उनको लगता है अभी एक दो साल वो खेल सकते हैं, और क्योंकि उनका नाम है, थोड़ा T20 में इतनी यू नो एज का फैक्टर नहीं है, तो मैं जाके ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश यहाँ खेल लूं, लेकिन उससे नुकसान आपने कर दिया रणजी ट्रॉफी का। हो सकता था अगर 3 साल या 2 साल वो और कश्मीर के साथ रहते तो वहां के लड़कों को और सिखा सकते हैं। ऐसे कई और एग्जाम्पल हो सकते हैं प्लेयरों के जो जल्दी छोड़ देंगे डोमेस्टिक क्रिकेट। सो वाई आर यू लूजिंग दैट, अगर आप उनको अलाउ करो, आपको पता है वो इंडिया के लिए नहीं खेलने वाले, अगर आप उनको अलाउ करो टू प्ले अदर लीग्स, देन ही कंटिन्यू प्लेइंग योर रणजी ट्रॉफी, गिविंग दैट नॉलेज टू योर गाइज ऑल्सो, एंड गो एंड प्ले वेदर इट्स बांग्लादेश प्रीमियर लीग और ऑस्ट्रेलिया, और वो तो वो एक और नुकसान है। In a sense, युवराज सिंह also, मैंने तो यही सुना था कि उन्होंने अपनी retirement call करी है ताकि he can go play that global T20 league. बिल्कुल, though in युवराज case, many may say कि I don't know whether he would have still played for Punjab or not, that's another matter, but there are still other players जो खेल रहे थे domestic cricket, like I'm giving an example, let's take Robin's example also, ठीक है, वो इसके लिए खेले, क्या कहते हैं, सौराष्ट्र के लिए खेले, और उसके बाद अब ये केरला के लिए खेल रहे हैं, ठीक है, केरला, हाँ, अब अगर उनको आप बोलो कि नहीं ऐसा अलाउ करो, हो सकता है वो कल को रिटायरमेंट कर जाए, उनको लगे, अभी वो इसलिए नहीं कर रहे, उनको चांस, और उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि शायद मैं इंडिया के लिए एक और वर्ल्ड कप खेल सकता हूं, मैं 33-34 साल का हूं, पर जिस दिन उनको लगेगा वो नहीं है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ देंगे और जाके वो लीग खेलेंगे, फिर नुकसान किसका होगा, केरला का होगा, सौराष्ट्र का होगा, इन स्टेट्स का होगा, तो ये चीज भी गौर करने की एक बात है। तो जिमी, देन मुद्दा क्या है, आई मीन ये तो एक नजरिया है, हम यहाँ पे अंदाजा लगा रहे हैं कि आपको खेलने से ये फायदा हो सकता है और ये ऑफ कोर्स दिस कैन बी द डिसएडवांटेज, तो BCCI के नजरिए से देखें क्या है, व्हाट इज द मेन मुद्दा, कुछ ऑफिशियली अभी तक क्या बात हुई है? नहीं, जब इन व्हेन द फर्स्ट IPL हैपेंड इन 2008 एंड आई थिंक दिस वाज देयर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, आजकल के कॉन्ट्रैक्ट में है, आई एम नॉट श्योर बिकॉज़ आई हैव नॉट सीन अ कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लास्ट फ्यू इयर्स, उसमें लिखा था, इट वाज अ 4-5 पैराग्राफ क्लॉज कि आप क्यों नहीं बाहर खेल सकते हो, उस टाइम ये था कि our league is the best in the world और हम चाहते हैं कि हमारे प्लेयर जो हैं वो उस टाइम फ्री रहे, फिट रहे, फ्रेश रहे, जो कि एक हद तक ठीक है, पर अब उस टाइम बहुत कम लीग्स, अब इतने लीग आ चुके हैं, आई थिंक जैसे ये लोग हैं, सुरेश रैना who probably will not play for India again, Robin Uthappa who definitely in my view will not play again, Irfan Pathan, इन लोग को अगर खेलना है तो खेलने दीजिए। अब निखिल ने एक बात किया था, आई नो फॉर अ फैक्ट कि सम ऑफ दीज प्लेयर्स इवन जब वो अपने डोमेस्टिक टीम जो जहां से वो खेल चुके हैं, जब वो और टीम में जाते हैं, ये वहां पे ऑलरेडी पिक एंड चूज कर रहे हैं, तो जब इनकी माइंडसेट ऑलरेडी है कि वो वहां पिक एंड चूज कर रहे हैं, तो मेरे व्यू में उन स्मॉलर स्टेट्स का ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है वो, बिकॉज द यंगर प्लेयर्स ही, यार ये प्लेयर अच्छा इंडिया के लिए खेल चुका है 20-30 मैच, यहाँ पे आ रहा है, ये वहां खेल रहा है, जब भी अच्छी तो वहां नहीं खेल रहे, एंड इट्स अ फैक्ट, वी कैन नॉट हाइड फ्रॉम दिस, ये हो रहा है। No, but then on the other side, Abhishek Nair and Pondicherry, I mean, a lot of people have given positive reviews for what he's done. बहुत होंगे, and there will always be two sides to the coin. But अगर some players, if they really want to go and play for this league, already वो domestic के साथ already ये थोड़ा इस तरह से खेल रहे हैं, तो let them go. I am frankly okay अगर इन players को बाहर जाके BBL, CPL, जो भी, अगर उनको वहाँ से कुछ पैसे कमाने, if they want to see the environment there, I am totally fine with it, क्योंकि आखिर ये choice उनका है. और जैसे कि सुरेश रैना ने, I think the first time ये topic आया था कुछ 11-12 दिन पहले, सुरेश रैना said in a different Instagram chat, and that was the time when it first came out. And his point then was the same thing, कि यार हम जैसे player जो centrally contracted नहीं है, हमें बाहर खेलने का मौका चाहिए. अब चाहे वो उनके मन में ये एक मौका हो वापस एक comeback मारने का, या कुछ
ज्यादा पैसे कमाने का, या रॉबिन उथप्पा'स केस टू सी द कल्चर सो दैट ही कैन बी अ कोच, इनको करने दो, बीसीसीआई शुड रियली बी अ बिट मोर रिलैक्स्ड. हमने सुना है प्रज्ञान ओझा ट्राइड, यूसुफ पठान ट्राइड बिहाइंड द बैक, हांगकांग सिक्सेस, इंडियन एंड एनओसी, लेट्स जस्ट डू अवे विद ऑल दिस नाटक. अगर आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं हो, इनको बाहर खेलने दो, बिकॉज आई डोंट सी हाउ मच दे कैन एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू डोमेस्टिक क्रिकेट. अगर आप एक क्लॉज हो कि आपको हर डोमेस्टिक मैच खेलना है, ऐसा भी कोई क्लॉज नहीं है. टू मेनी प्लेयर्स, टू मेनी फॉर्मर इंडिया स्टार्स और एक्चुअली पिकिंग एंड चूजिंग विच रणजी मैच दे वॉन्ट टू प्ले, तो कौन सा फायदा हो रहा है डोमेस्टिक टीम्स का, राइट? दैट्स माई व्यू ऑन इट. एक चीज है उसमें, जस्ट ऑन द फ्रंट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, जैसे क्योंकि अब इतने नए स्टेट्स आए हैं ना, तो मैंने बहुत ऐसे प्लेयर्स को देखा है जो जाके उन डोमेस्टिक टीमों के साथ जुड़े हैं एंड दे यू नो हेल्प देम कम अप. लाइक आई रिमेम्बर कैफ के साथ, ही लेफ्ट यूपी एंड वेंट टू छत्तीसगढ़, यू नो, टू बी विद देम एंड बी अ प्लेयर कम मैनेजर. अजय जडेजा का मुझे याद है कुछ समय पहले वो हरियाणा में चले गए थे यही करने के लिए. सो आई मीन लाइक आई सेड, दे विल बी सर्टन प्लेयर्स हु मे नॉट बी इंटरेस्टेड, बट दे विल बी दोस प्लेयर्स जो इंटरेस्टेड है टू हेल्प द यंगस्टर्स एंड गिव देयर एक्सपीरियंस, स्पेशली जब न्यूअर स्टेट्स आ रहे हैं. हाँ, बट मैं वही कह, आई अगेन प्ले डेविल्स एडवोकेट, हाउ मेनी ऑफ दीस प्लेयर्स स्टे फॉर मोर देन वन सीजन? वो नहीं, वो उन्हें कहीं जाते हैं. नहीं, बट माय पॉइंट इज लाइक आकाश, I'm saying, आप यू सी द इंपैक्ट, आकाश चोपड़ा ऋषिकेश कनेक्ट कर रहे हैं, दो साल खेला राजस्थान के लिए, उन दो साल में बैक टू बैक डे वन, राइट? तो बहुत टीम्स कैफ वेंट टू आंध्रा वन सीजन. I'm sure there's politics and there are different things in play, but very few players actually go the distance. I've spoken to many junior players whose names will never come out in the lineup because they're not that big players. True. They're actually very bitter. यार ये आते हैं, ये अपना baggage लेके ये बोलते हैं. Granted, this is not the widespread view, but there is a certain amount of negativity attached to these professional players coming in. But there's another way of looking at it, ki jo state board ya state team is trying to cough up with money and trying to advertise their team, to unke liye this guy is who, unki Mohammed Kaif aa raha hai. Most of the fault actually lies with the boards because they are not thinking beyond 1 year also. So I get that. But I think that's now we're going in a different direction. The whole domestic argument, something which is, I don't think it applies here because there's too many variables. True. Plus, I'm saying even if you spend 1 year, like agar main youngster ho, main nahi khela, mera ek kaptan international cricketer ek saal bhi ho, to I will chew his brain. Matlab main uska dimag khaya hoga sawal puchne ke liye, which may help me. But just going back to that point, ki BCCI kyun nahi allow karta Indian cricketers ko, uske piche sabse bada karan hai पैसा. ठीक है, मैं वो अगर एक्सप्लेन करता हूँ क्यों वो ऐसे अलाउ नहीं करते उनको खेलने के लिए, उसका बहुत सिंपल चीज़ है. ठीक है, आज के दिन बीसीसीआई का पूरा जो इकोसिस्टम है वो स्पॉन्सर्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, स्पॉन्सर्स आते हैं, चाहे वो आईपीएल के स्पॉन्सर्स हों या वो टीम के स्पॉन्सर्स हों या कुछ. आईपीएल टीम्स भी नहीं चाहती वो ऐसा खेले, बताता हूँ क्यों. मान के चले मैं आज के दिन में एक ऑटो मैन्युफैक्चरर हूँ, कार बनाता हूँ, ठीक है, और मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ इंडिया में, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस टीम के साथ जुड़ूंगा, मान लें जिसमें विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ये है, तो मैं क्या, इससे मुझे एडवांटेज ये मिलता है कि एज सून एज आई ज्वाइन लेट्स से आरसीबी हाइपोथेटिकली, तो विराट कोहली के जर्सी पे मेरा वो कार मैन्युफैक्चरिंग का वो स्टिकर होगा और मेरी एडवर्टाइजिंग होगी. लेकिन मेरे को वहां तक पहुंचने के लिए माने 20 करोड़ देने पड़े. ओके, जस्ट रैंडम फिगर, जस्ट टू रीच द टी शर्ट ऑफ विराट कोहली एंड सेल माई कार. नाउ इफ यू अलाउड इंडियन प्लेयर्स, चलो विराट तो कॉन्ट्रैक्टेड है, बट अ नॉन कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर टू गो आउट, लेट इट बी अ युवराज सिंह विच अ बिग इनफ स्टार, जो मैं बात कर रहा हूँ इरफान पठान, ये वो, इफ दे प्ले इन अदर फ्रेंचाइजेस, मी द सेम कार मैन्युफैक्चरर कैन गेट माय नेम ऑन देयर जर्सी फॉर अ 1/10 द प्राइस. मैं 2 करोड़ में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, जहाँ युवराज सिंह की टीम है या किसी की टीम है, मैं वहां पे जाता हूँ. मैं वो फिर क्या होता है, आईपीएल में मैं नहीं डालूंगा 20 करोड़, मुझे पता है कि मैं अगर 2 करोड़ में काम चल रहा है, चाहे वो बिग बैश हो, चाहे वो, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, दिस इज समथिंग दैट द बीसीसीआई डिस्कस्ड एंड सेड इट टाइम एंड टाइम अगेन, कि मेन इशू ये है कि जिस दिन ये प्लेयर स्टार्स वहाँ चले गए, चाहे वो कितने भी स्टार्स हो, जैसे ही वो वहाँ चले गए, उससे हमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो स्पॉन्सर है वो बीसीसीआई में बिग बक नहीं देगा. I don't kind of buy the argument, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, if you're talking about the contracted players going there, so if you're talking about a Virat or a Jasprit or a Hardik and all going, I can understand a sponsor might chase them there saying कि भाई हमें विराट कोहली 20 रुपए में मिल रहा है, यहाँ पे 40 रुपए या 50 रुपए क्यों दें? But the point is, a युवराज सिंह sir, for as big as युवराज सिंह might be, at the end of the day, आप field पे जो खेल रहे हो,
that keeps you going for as long as you want, and the sponsor wants to be with you. So Yuvraj Singh and all, unka game ab nahi raha na, ab khelne wala. Samajh nahi raha na, but brand to isliye judta hai. Ye ek fact hai. Aur main aapko ye nahi bola. Aap maan ke chalo, ek team hai, theek hai? Jisme example le raha hu, Andre Russell hai, Shane Watson hai, Yuvraj Singh hai, Irfan Pathan hai. Main ye bol raha hu, jo log naami grami log hai, thode bahut Suresh Raina hai, ye sab jo India ke liye nahi khel rahe. To ek team ban gayi na, enough star power aa gayi. Yes, they will not be the same as Virat and Rohit. But yeah. I will now start paying very less and getting on the cricket bandwagon, which is a very important thing. See, I think the sponsors are problem of plenty, sir. If today, bhai, aaj ke din mein broadcaster, when it's struggling to make break even with the money that it's paying for the IPL, every sponsor, every penny counts. If tomorrow the brand value of IPL comes down by whatever, by 10%, by 15%, that's a major chunk. People who are registering losses, 15% bhi agar kam ho gaya, chote sponsor, Amul jaisa chota ya koi bhi sponsor bhi chala gaya, that's a big thing. And that's one of the main reasons they don't allow it. Jimmy, would you buy this sponsor argument? I agree, because it all in the end of the day, behind closed doors, ye sare league chalte hain. And this is the bane of the T20 league, because itne deals jude hain, sponsorship, in stadium, out stadium. So I see, and it's a valid point, but कहीं ना कहीं यू हैव टू ऑल्सो लुक एट द प्लेयर इफ यू आर ब्लॉकिंग अ प्लेयर फ्रॉम गेटिंग अ चांस टू अर्न मोर एंड एस्टैब्लिश हिज ओन ब्रांड समवेयर दैट्स द प्रॉब्लम बट क्या अफसोस की बात है कि इट ऑलवेज विल साइड ऑन द साइड ऑफ द पीपल हु रन द लीग एज वेल एज द एजेंट्स एंड द प्लेयर ये है ये फैक्ट वी हैव टू एक्सेप्ट दिस आई एम नॉट जस्टिफाइंग अर्जुन द बिहेवियर ऑफ बीसीसीआई आई एम विद द प्लेयर्स आई थिंक प्लेयर्स शुड बी अलाउड बट मैं आपको ये बता रहा हूँ उनका थॉट प्रोसेस क्या है और वो क्यों नहीं अलाउ करते मैं तो कहता हूँ कि भाई एक फ्री मार्केट क्या है दिस इज लाइक अ मोनोपोली ना व्हाट बीसीसीआई इज ट्राइंग टू डू इज क्रिएट अ मोनोपोली कि वो बोल रहे नहीं एंड मोनोपोली इज नेवर फेयर कोई भी अगर नॉर्मल आदमी तो बोलेगा ना फ्री मार्केट करो और मैं भी सहमत हूँ उससे कि फ्री मार्केट करो आपकी जो वैल्यू आपको मिलेगी अगर कुछ को उस पाए में से थोड़ा और ले भी रहे तो ठीक है आप अपने प्रोडक्ट को बेटर करो बट हर लोग ऐसे नहीं देखते अगर बीसीसीआई हर चीज को इतने ऑब्वियस तरीके से देखता तो बिग थ्री के लिए लड़ाई नहीं करता तब ये नहीं कहता कि हम चले जाएंगे हम अपना ही क्रिकेट खेलेंगे ये दिस इज अ डॉगी डॉग वर्ल्ड वेयर एवरीवन वांट्स अ पीस ऑफ दैट पाई नो वन वांट्स टू दिस इज द पेरिल ऑफ कैपिटलिज्म व्हिच इन व्हिच वी आर लिविंग तो ये इशू मैं तो ये T20 लीग के नजरिए से देख रहा हूं जो बाहर हैं एंड अगर उन्होंने खोल दिया एंड मैं तो कह रहा हूं फॉरगेट द बिग नेम प्लेयर्स any Indian player who is in that periphery, they will be in major demand because jo most of these teams will be, they want the Indian audience to join in. Ki ek Indian player aake so that you have a tap into that 1 billion audience that is mad about cricket and that way you can really expand the reach of your league and thereby get more money from sponsors and so on. Yeah. But mere ko ek ye nazariya lagta hai ki why they don't allow. Ki thing is, agar aap allow karo, A, you cannot pick and choose ki chalo ji, main sirf aapko BBL aur Manzi Super League mein aapko jaane dunga. अलाउ करना है तो आपको सब में अलाउ करना है नाउ इफ यू अलाउ एवरीवन ऑल थ्रू आउट देन दैट मींस यू विल आल्सो लेट योर प्लेयर्स टू गो टू अ बांग्लादेश प्रीमियर लीग और अन अफगानिस्तान प्रीमियर लीग सर मैं टॉप प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं 100 एंड बिलो की बात कर रहा हूं जो हमारे रैंक के खिलाड़ी है एंड वहां पे यू नो हाउ करप्शन इज रूल्ड दोस लीग्स राइट एंड दोस लीग्स हैव बीन अंडर द स्कैनर सो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम एंड मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन यू डोंट वांट योर प्लेयर्स अर्जुन अर्जुन वन थिंग तो आपको क्या लगता है आईपीएल दूध की धुली जगह है 2013 में हम क्या कर रहे थे तो ये क्या क्या चीजें नहीं है हर लीग में कहीं ना कहीं लेवल पे ये स्कैन है there must be evil elements in all the leagues we've seen it abhi bhi shayad hota hoga we don't know we will never know Correct. ye cheez jo hai ye itni well orchestrated hai isme sarkare mili hui hai authorities mili hui hai agar again a topic for a very different day Fair enough. Anything else you guys want to add in this? लगता है कि हमने यहाँ पे बातें तो यहाँ पे कर ली हैं कि players को जाना चाहिए but जो आपके सामने practically दिख रहा है लग रहा है वो खुलेगा Indian players के लिए मुझे तो नहीं लग रहा है at least in the near future खुलने वाला है I doubt it because मुझे जितना पता चला है recently BCCI जो हम ये बात करें ना जब ये बातें जब उठी हैं अभी मीडिया में चाहे वो इरफान और रैना ने बात की अब रॉबिन भी उसके बारे में बात कर रहे हैं तब भी BCCI ने वही चीज़ कही है सी इसको करने के लिए मतलब पूरा माइंडसेट चेंज होना पड़ेगा क्या वो हो सकता है और मैं नहीं कहता एक आदमी बदल सकता है या तो आप कोई ऐसे इंसान हो जैसे शशांक मनोहर थे जिन्होंने ही वेंट अगेंस्ट यू नो द ग्रेन ऑफ द BCCI बोला नहीं ये चीज़ नहीं होगी वो पर क्या वैसा कोई प्रेसिडेंट आ सकता है बहुत मुश्किल है क्योंकि पूरा सिस्टम ही वैसा है जस्ट टू टेक एनीथिंग अवे कोई उसमें छोड़ना नहीं चाहता अपना बिल्कुल
अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन हो वे द गवर्नमेंट इंटरवीन्स या प्लेयरों की बात सुने और फिर अलाउ करे तो शायद है, बट नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा. I think the only way it can happen is that once you realize that over the next 5 years, T20 is going to be the format, sir, of all the different formats. You have to agree that T20 is going to be the format. Or agar aap peeche rehne wale ho in for whatever reason, and maybe you're not climbing that 1% because you're not letting your players go to other leagues and mix with other players and mix with other cultures, then maybe there might be a change of heart ki if it's affecting your results internationally. एक चीज इससे जो जुड़ी है, आपको देखना है कि इंडियन टीम की T20 रैंकिंग क्या है. हमने लास्ट जब शो किया था, आई हैव नॉट चेक द रैंकिंग्स, दे वर एट नंबर 5, ठीक है. एक ही वर्ल्ड T20 जीती है 2007 में, जो पहले वाला था. उसके बाद यू हैव टू आल्सो लुक एट दीज थिंग्स कि क्यों इंडिया एज अ T20 टीम इज नॉट स्टिल व्यूड इन द सेम ब्रेथ एज इन द सेम लीग एज द टेस्ट टीम एंड द वन डे टीम. क्यों वन डे टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स तक पहुंचती है, क्यों टेस्ट में नंबर 1 थी 2-3 साल तक. T20 में उनकी रैंकिंग इतनी अच्छी थी. Perhaps it's all linked to this as well. Not enough players getting exposure of the IPL. IPL वही पाटा ट्रैक्स में खेली जाती है ना. बाहर क्या होता है, चलो ऑस्ट्रेलिया में ठीक ठाक रिकॉर्ड है, बट इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, दिस इज प्लेसेस वेयर यू नीड टू फाइंड मोर सक्सेस. और शायद कहीं ना कहीं इंडिया की नंबर 5 या 6 जो रैंकिंग है इससे जुड़ी है, who knows. नहीं, मैं तो कह रहा हूँ फॉरगेट द टॉप 20 आल्सो, इवन इफ यू अलाउ बिलो द टॉप 20 एंड 30 टू 50 या 30 टू 100 के बीच में प्लेयर्स को जाने दोगे, बट दैट्स माय पॉइंट. आई एम सेइंग व्हेन दे विल कैच अप टू द वे द वर्ल्ड इज प्लेइंग T20 क्रिकेट एज इट इज, दे विल हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन दोस टॉप 30 प्लेयर्स. बिल्कुल, आई एग्री. लेट द नॉन कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स गो, यार. सी, आई मीन इट्स नॉट जस्ट इन क्रिकेट, हर स्पोर्ट में होता है ना. कैन यू इमेजिन इन द वर्ल्ड ऑफ NBA या फुटबॉल या एनीवेयर, या बोले नहीं आप सिर्फ कंट्री के लिए खेलोगे या सिर्फ अपने लीग में ही खेलोगे. आई मीन दैट्स नॉट पॉसिबल. यू हैव टू अलाउ देम टू गो इन प्ले इन अदर प्लेसेस. तो आई मीन, या तो फिर आप यूरोपियन लीग की तरह हो जाओ कि पूरे साल आप एंगेज हो. अगर पूरे साल IPL चल रही है, इट्स अनदर थिंग. 2 महीने के लिए तो श्योरली यू कैन लुक इन टू. चलो फेयर एनफ. फुटबॉल की आपने बात करी, सर हमारे प्लेयर बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं बाहर जाने का, लेकिन कोई बुला नहीं रहा उनको बेचारों को. लॉन्ग मे दे ट्राई. म्यांमार से शायद कॉल आ जाए उनको, बर्मा में लीग खेलने के लिए, यू नेवर नो. बट आज हमने ऐसे ये डिसाइड किया था कि दिस एपिसोड विल नॉट बी मोर देन 30 मिनट्स, एंड आई हैव टू टेल यू दैट आई थिंक इट्स एट अबाउट 31 राइट नाउ. सो वेल डन, बिकॉज जस्ट लाइक 420 ग्राम्स, हमारी भी गंदी आदत हो रही थी कि हम कहते थे कि 20-25 मिनट का एपिसोड करेंगे और जाता था 55-60 मिनट तक का. इसको आप चॉप करके 20 भी कर सकते हो इफ यू वांट, आपकी मर्जी है. निखिल नाज, जेमी ऑल्टर, एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड नो फिल्टर निखिल, मे यू कंटिन्यू टू फ्लरिश एंड कीप ऑन गिविंग कंटेंट टू द इंडियन मीडिया. आपका आशीर्वाद रहेगा तो ठीक है, चलते रहेगा. थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन, एंड ऑफ कोर्स वी विल कम अगेन नेक्स्ट वीक विद अनदर धड़कता हुआ टॉपिक टू टॉक अबाउट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट.